आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बस चलाते हुए कैमरे में कैद हुए हैं विधायक। नियमों को ताक पर रखकर बस को चलाया, ट्रैफिक नियमों को विधायक ने दिखाया है ठेंगा। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां विधायक का बस चलाते हुए वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पर वायरल। विधायक जितेंद्र वर्मा का वीडियो हुआ है वायरल। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक विधायक बस चलाते हुए नजर आ रहे हैं। बस चलाते हुए कैमरे में कैद हुए हैं विधायक, जहां नियमों को ताक पर रखकर बस को चलाया। ट्रैफिक नियमों को विधायक ने दिखाया है ठेंगा। विधायक का बस चलाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विधायक जितेंद्र वर्मा का वीडियो हुआ है वायरल, जहां वो बस चलाते हुए नजर आ रहे हैं ट्रैफिक नियमों की ताक पर रखकर। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अमित, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर किस तरीके की, क्या ऐसा रहा जिसकी वजह से विधायक ने बस चलाई? जो वीडियो वायरल जो हो रहा है सोशल मीडिया पर, इससे साफ तौर से देखा जा रहा है कि आगरा की जो विधानसभा है फतेहाबाद, वहां पर विधायक हैं भाजपा के जितेंद्र वर्मा जी, वो साफ तौर से एक कमर्शियल व्हीकल को चलाते हुए नजर आ रहा है, जो बस है उसको चलाते नजर आ रहा है, और जो कार्यकर्ता है वो उसका सीसीटीवी के नारे लगा रहे हैं और वीडियो बनाया है और उसको वायरल किया है। साफ तौर से देखा जा रहा है कि जिस तरीके कमर्शियल व्हीकल को चलाने का जो अधिकार होता है, उसका एक सबसे जरूरी और अहम जो होता है वो है कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस, जो विधायक जी के पास नहीं है, और उसके दौरान भी वो बस को चला रहे हैं और चलाते चलाते उनको जो तस्वीरें हैं साफ बता रहे हैं, उन्होंने सीट बेल्ट का भी प्रयोग नहीं किया है। अमित, वीडियो बस चलाने के पीछे आकर क्या मुद्दा था? क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट कहा जा सकता है या किन ऑन कारणों की वजह से उन्होंने बस चलाई? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, जिस तरीके से लखनऊ की जो रैली थी उसके लिए भीड़ को जुटा के ले जाने का जो वहाँ जो लखनऊ के लिए भीड़ जो भेजी जा रही थी, तो उसमें उस दिन ये खुद जितेंद्र वर्मा जो विधायक है वो उस बस के सारथी बने और बस को लखनऊ तक लेके जाने की जो जिम्मेदारी थी वो इन्होंने खुद उठाई और अपने हाथ से बस चलाकर ये वहां तक लेके पहुंचे थे। ये उस दिन का वीडियो है जिस दिन लखनऊ में रैली होनी थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हम आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे थे, जहां से बस चलाते हुए एक विधायक नजर आए हैं। नियमों को ताक पर रखकर बस को चलाया है विधायक ने, ट्रैफिक नियमों को विधायक ने दिखाया है ठेंगा। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा में मारी है टक्कर। जोरदार टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद गाड़ी चालक हुआ है फरार। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मुगलसराय कोतवाली पचफेड़वा गांव का है ये पूरा मामला। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक जोरदार टक्कर का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ई रिक्शा में मारी है टक्कर, जिसके चलते जोरदार टक्कर में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद गाड़ी चालक हुआ है फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मुगलसराय कोतवाली के पचफेड़वा गांव का है ये पूरा मामला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो अजीत, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर किस तरीके की घटना हुई है वहां पर? इसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, उनको जिला अस्पताल रेफर कर लाया गया है, फिर वहां से रेफर कर दिया गया बेचू के लिए। और पुलिस जो अभी लोग घायल बताए जा रहे, कुछ दो ही लोग, और दो लोग को रेफर कर दिया गया है। तो जिस अभी जो चालक जो फरार हुआ है, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई है या अभी भी तलाश जारी है? मैम, वो जो चालक है वो फरार हो गया है, जिससे मतलब फरार हो गया है, फिर वो अभी पकड़ मैंने जो मारा है, टोटो था, टोटो तुरंत मतलब उलट पलट गया,
जिसके कारण से वो जो मारने वाला था वो फरार हो गया। सिर्फ दो लोगों के घायल होने की ही सूचना मिल रही है या कुछ अन्य लोग भी घायल हुए हैं? उसमें चार पांच लोग बैठे थे जिसमें दो लोग ज्यादा बुरी तरह से घायल हुए हैं और दो लोग को रेफर कर दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे जहां घटना के बाद चालक हुआ है फरार। गाड़ियों में टक्कर होने से दो लोग हुए हैं घायल जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बसपा की मंडल स्तरीय जनसभा में कार्यकर्ता आपस में भिड़े। मंच पर जाने के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। कार्यकर्ताओं ने आपस में खूब की मारपीट। मारपीट का वीडियो हुआ है वायरल। नगला पद्मा में आयोजित हुई है ये जनसभा। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे जहां पर बसपा की रैली में मारपीट का वीडियो हुआ है वायरल। बसपा की मंडल स्तरीय जनसभा में कार्यकर्ता आपस में भिड़े जहां मंच पर जाने के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद हुआ जहां कार्यकर्ताओं ने आपस में की है खूब मारपीट जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर। नगला पद्मा में आयोजित हुई है ये जनसभा जिसमें कार्यकर्ताओं में बवाल हुआ जहां कार्यकर्ताओं में आपस में मारपीट हुई है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बसपा की मंडल स्तरीय जनसभा में कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। मंच पर जाने के दौरान कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। कार्यकर्ताओं ने आपस में की है खूब मारपीट। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर। नगला पद्मा में आयोजित हुई है ये जनसभा और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ममता फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। तो ममता, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, आखिर किस तरीके का माहौल है वहां पर? जी बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह आगरा में ये बसपा की मंडल स्तरीय जो जनसभा होने को थी जो कि सतीश चंद्र मिश्रा के प्रस्तुति में होनी थी, तो उससे पहले ही मंच पर बैठने को लेकर के बसपा के कार्यकर्ता जो कि आगरा के नगला पद्मा में आयोजित हो रही थी वो मंच को लेकर के आपस में जो बसपा के कार्यकर्ता थे वो आपस में बैठ रहे और इसी को लेकर के जो झगड़ा था उनका जो भिड़ंत थी वो इतनी बढ़ गई कि वहाँ नौबत लाख घूसों तक आ गई। जी ममता, ये सिर्फ बैठने के लिए लड़ाई हुई है या कोई अन्य कारण भी बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरह की वहाँ बात की गई तो वहाँ यही बताया गया कि जो मंच पर बैठने को लेकर गई कि दोनों ही जो कार्यकर्ता आपस में भिड़े थे दो पक्ष, तो दोनों ही पक्ष एक ही जो बसपा के ही थे तो एक वर्चस्व की लड़ाई मान लीजिए कि जिस तरह की एक दूसरे को लेकर के कि हम मंच पर बैठेंगे और हम पर एक दूसरे को लेकर के जो लोग मंच पर आपस में दोनों एक बसपा के जो कार्यकर्ता थे आपस में तुरंत वहां भिड़ने शुरू हो गए तो नौबत जो लाख घूसों तक आ गई। जो इस वीडियो में अभी जो मारपीट हुई है उसमें कोई और घटना भी हुई है क्या? जी श्वेता बिल्कुल, आपको बता दूं कि फिलहाल इसमें कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, बस मामले को वही अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा रफा दफा करा दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया ममता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जहां कार्यकर्ताओं में आपस में की है खूब मारपीट। मंच पर जाने को लेकर हुई है मारपीट जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। नगला पद्मा में आयोजित हुई है ये जनसभा। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि बसपा की मंडल स्तरीय जनसभा में कार्यकर्ता में विवाद हुआ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।